दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। मैं आशा रानी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं मेरे शुगर वाले भाई बहनों के लिए लौकी और दही की सब्जी लेकर आई हूँ, जो गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और दही लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए 500 ग्राम लौकी जो हमने छील कर काट कर रखी है, ये एक प्याज जो बारीक टुकड़ों में काट के रखे, एक हरी मिर्च और ये कस्तूरी मेथी, कुछ लोग इसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, और ये एक कटोरी दही जो सपरेटे वाली दही लेनी है, और ये पिसा हुआ धनिया। हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे, गरम मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि गर्मियों के लिए शुगर वाले भाई बहनों के लिए सब्जी बना रहे हैं। ये हल्दी पाउडर, ये नमक, ये जीरा, मिर्ची पाउडर और ये सरसों का तेल तड़के के लिए, और ये एक चम्मच बेसन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए कस्तूरी मेथी, थोड़ा पानी लेते हैं कटोरे में, उसको इसमें डुबा देते हैं, अच्छे से इसको इसमें भिगो देते हैं। देखिए अब इसके बाद हम गैस ऑन करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद एक चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, ये देखिए। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं, साबुत जीरा। साबुत जीरा डालने के बाद हम इसमें बारीक कटी प्याज डालेंगे, इसके बाद डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा चलाते। अब हम इसमें डालेंगे देखिए कस्तूरी मेथी, पानी से पहले निकालते हैं, इसको ऐसे निचोड़ लेते हैं, डालते हल्का ब्राउन करते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटी लौकी, इसे चलाते हैं। हम डालेंगे इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच डालना। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, ये देखिए हल्का सा नमक डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको ढक देते हैं, अब इसको नरम होने देते हैं अच्छे से। अब इसके बाद ये देखिए हम क्या करते हैं, दही लेते हैं जो हमने सपरेटे वाली दही लेकर रखी है, इसमें हमें एक चम्मच बेसन मिलाते हैं, इसमें ये देखिए एक चौथाई चम्मच हल्दी डालते हैं, हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ही डालना है, गरम मसाला इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अब गर्मी है, इसलिए हम ठंडी सब्जी बना रहे हैं शुगर वाले भाई बहनों के लिए, इसलिए गरम मसाला और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालते हैं, नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। और दही सपरेटे वाली लेनी है, देखिए अच्छी तरह से ऐसे इसको मिक्स करना है। और देखिए दही और बेसन अच्छे से फेंट कर लेना ऐसी, देखिए अच्छी तरह से। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे शुगर वाले भाई बहनों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकूं और अच्छी से अच्छी बात उन्हें बता सकूं, और इसीलिए मेरे भाई बहनों हर एक वीडियो में कहती हूं सैर जरूर किया करें, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। अभी देखिए इसमें दही डालते हैं, देखिए हमारी लौकी एकदम नरम हो चुकी है, देखिए अच्छे से नरम हो चुकी है, उसमें डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स, आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं,
और 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। करते हैं। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी लौकी दही की सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए तो बहुत ही फायदेमंद होती है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और परोसते हैं। और ये देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए लौकी और दही की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसका हफ्ते में 2-3 बार सेवन कीजिए, लेकिन एक ही कटोरी का एक बार में सेवन करना है, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। और गर्मियों के मौसम में सुबह ठंड ठंड में सैर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।